यू आर वॉचिंग फोनजोन.टीवी मेरे यानी करिश्मा के साथ, और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं एप्पल के एक बहुत ही खास वेरिएंट की बात। जैसे एक ऐसा वेरिएंट जो कि मार्केट में बहुत टाइम पहले आया था, लाइक 2011 मॉडल है एंड स्टिल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ ग्रेट मॉडल आउट है। हाँ, इससे इसके जो अब मॉडल्स आए हैं, जो इसके अब वेरियंट आए हैं, दी हैव गॉट सम अमेजिंग फीचर्स। बट ये आईफोन का जो मेन लुक था, जो उसकी ब्रॉडनेस थी, जो उसकी ब्रेथ थी, या ये कहें कि जो वो खास था, वो कुछ सीरीज तक ही देखने को मिला था। तो आईफोन का 4S उन्हीं में से एक है। यस, दिस इज वन ऑफ दोस वेरिएंट आउट है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आईफोन 4S। एज वी ऑल नो दैट दिस हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। भले ही कैपिटिव स्क्रीन थी, छोटा सा मॉडल था, देखने में उतना ज्यादा ये वाइब्रेंट नहीं था, बट यस, इट हैज गॉट अ स्क्रीन साइज ऑफ 3.5 inches अलोंग विद IPS LCD कैप्टिव टच स्क्रीन। यस, भले ही 2011 मॉडल है, बट हमने देखा 11 की जो मॉडल्स थे उनमें इतना ज्यादा हमें खास देखने को नहीं मिला था जितना एप्पल की ये आईफोन की 4S की सीरीज थी। IPS LCD कैपिटल टच स्क्रीन के साथ साथ आपको इसमें ग्लास फ्रंट देखने को मिलता था और ग्लास बैक ही था, मतलब प्रोटेक्शन का ध्यान आईफोन में हमेशा से रहा है। और टॉकिंग अबाउट दी प्रोटेक्शन, इसमें गोरिल्ला ग्लास था। यस, गोरिल्ला ग्लास था, वहीं पर इसकी जो शाइनिंग कोटिंग थी दैट वॉज बिकॉज ऑफ दी ओलियोफोबिक कोटिंग आउट देयर। इसमें ओलियोफोबिक की कोटिंग थी वहीं पर। और ड्रॉबैक, अभी के टाइम में तो iOS 5 यूज किया गया था इसमें 2011 में, विच वॉज अ ग्रेट वेरियंट एंड कुड बी अपग्रेडेड अप टू iOS 9.3.5, मतलब iOS 9 तक आराम से हो रहा था, बट सिंस अब iOS 14 तक आ चुका है तो इसीलिए थोड़ा सा वीक वर्जन है ये, बट स्टिल अ वेरी ग्रेट वर्जन बिकॉज उसमें एप्पल A5 यूज किया गया था जो कि बहुत ज्यादा एडवांस था 2011 के मॉडल्स के अकॉर्डिंग। And since it offers a great variant, variety of storage capacity. Storage की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारी storage capacity देखने को मिलेगी। Like इसकी starting अगर हम बात करें तो 8 GB से start हो रहा है, 8 है इसमें, 16 है इसमें, 32 GB भी देखने को मिल रहा है। Whereas you get to see 64 GB as well as, मतलब इसमें GB जो है storage capacity है बहुत ज़्यादा थी। बट इसकी जो रैम क्वालिटी थी वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, 512 MB की रैम ही थी इसमें, 512 MB की रैम देखने को मिली थी। टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, वहीं पर इसमें आपको जो कैमरा है सेल्फी कैमरा है, यस, आईफोन की 4 से ही सेल्फी कैमरा ज्यादातर इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इट हैज VGA सेल्फी कैमरा। जी हाँ, VGA बहुत ज्यादा उस टाइम पे पॉपुलर था, अबाउट VGA और 1.3 MP का कैमरा, ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस थे। सो दिस वॉज दी अबाउट द कैमरा क्वालिटी ऑफ आईफोन 4S। वेयर टॉकिंग अबाउट द रियर कैमरा ऑफ दिस फोन, कैप्चरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। यस, इट हैज अ वेरी गुड कैप्चरिंग कैपेसिटी टू। 8 MP का रियर कैमरा था, ऑल्दो इसे थोड़े से हैवी कैमरास देखने को मिल चुके हैं, बट यस, स्टिल इट वॉज अ नाइस वेरियंट। लाउडस्पीकर के साथ साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा यहाँ पर वेरिएशन। यस, लाउडस्पीकर भी है, स्टीरियो टाइप का 3.5 का जैक भी देखने को मिला था। वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे अलग कनेक्शन देखने को मिले थे, लाइक ब्लूटूथ है, GPS है, रेडियो नहीं होता है आईफोन्स में, यूजली रेडियो नहीं दिखते मिलते तो वो भी नहीं था। USB 2 टाइप लगता था। यस, चार्जर हैज बीन अडेप्टेड, हैज बीन चेंज्ड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली वो भी चेंज हुआ है। Whereas the battery life, if we talk about the battery life, then definitely we can say कि इसमें non-removable battery थी of 1,432 mAh की, जो 1,432 mAh की battery life थी, this was a wonderful thing. साथ ही इसके colorization की बात करें तो इसमें mostly आपको अलग अलग colors देखने को मिलेंगे। इस colorization की बात करें तो इसमें colors बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। Whereas talking about the availability of this gadget, क्योंकि आईफोन 4S जो है अभी मार्केट में उतना ज्यादा लोगों को हर साइट पे देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ अ ग्रेट वेरियंट, तो डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू ट्राई इट वंस। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। वेन यू क्लिक ऑन द लिंक यू डायरेक्टली लैंड अप टू दिस वेबसाइट। जी हाँ, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं ऐसी वेबसाइट ओपन होती है। द साइट नेम विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन फोनजोन.ae।
आप उसे गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज लिंक तो आपके लिए है ही डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ अगर आपको सर्च फॉर आइटम देखना है एंड व्हेन यू डू इट यू गेट टू सी आइकन आउट देयर एंड ऑल यू हैव टू डू इज टाइप योर फेवरेट मॉडल आउट देयर एंड व्हेन वी टाइप इट वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ वेरियंट्स आउट हियर, बहुत सारे वेरियंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं वेरियंट्स की, टिल देन इट इज सर्चिंग आउट। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एज यू वर सेइंग कि बहुत सारी चीजें क्या देखने के मिल सकते हैं इसमें आपको, डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट देखने को मिलेंगे, कलर्स देखने को मिलेंगे। लाइक ओएस का 64 GB है तो 8 GB वाइट भी है यहाँ पर, 64 GB ब्लैक भी देखने को मिल रहा है तो वहीं पर 32 GB भी है, एवरी वेरियंट इज अवेलेबल। बट द मोस्ट कॉमन थिंग रिटन ऑल ओवर इज जस्ट रिफर्बिश्ड कंडीशन, रिफर्बिश्ड रिफर्बिश्ड एंड रिफर्बिश्ड आउट देयर। यहाँ पर रिफर्बिश्ड लिखा हुआ है तो लेट अस टॉक अबाउट द रिफर्बिश्ड कंडीशन इटसेल्फ। Talking about the refurbished condition is actually a type of a condition or you can say a certificate जो किसी भी gadget को दिया जाता है। Yes, this is given to any gadget. When we talk about the gadgets, यहाँ पर उनको mention कर दिया जाता है sites पे और साथ में उनकी condition लिख दी जाती है refurbished. Just like the other gadgets out there which are written with conditions like brand new or discontinued or any other, जो भी उनकी मार्केट में कंडीशन होती है। अब रिफर्बिश्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? रिफर्बिश्ड वर्ड मतलब कि नए जैसा, यस, क्रिएटिंग समथिंग न्यूली लाइक। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि न्यूली लाइक प्रोडक्ट हो जाता है एंड देन वी कैन से कि ये कंडीशन जो है ये कुछ पैरामीटर्स पे डिफाइन होती है, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट देने होते हैं विच gives them actually कि कैसे कैसे होते हैं। Just like a brand new product, जिस जब वो release होता है market में launch होता है तो उससे certifications होते हैं, वैसे ही इनमें भी certifications होते हैं। When we talk about these certifications, these include all the parameters like the display, frame recognition, battery life, your camera quality, audio quality, your connectivities, Bluetooth, Wi-Fi, your hotspot connectivity, operating system, your processor, your hard drives, your storage capacity, मतलब जितने भी factors होते हैं, whichever they include, like the battery talk time कितना है, standby में कितना दे रहा है, talk time में कितना दे रहा है, multimedia में कितना दे रहा है, वहीं पर उसकी sensitivities कैसी है, इसका if it is Apple तो उसकी Siri language कैसी है, if it is about sensitivity then accelerometer कैसा है, gyrometer कैसे काम कर रहा है, उसमें 3.5 का jack है नहीं है, उसमें आपको डिस्प्ले का जो है रेजोल्यूशन सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डिस्प्ले जो टाइप बोली गई थी वही है नहीं है, सिम स्लॉटेशन कैसा है, साथ ही साथ उसमें कैपेटिव टच स्क्रीन के अलावा कोई और तो नहीं है, एलईडी डिस्कलराइजेशन कैसा है, एवरीथिंग विच एवर द फीचर्स वी ऑल स्टडी अबाउट अ फोन, जो भी हम किसी फोन में पढ़ते हैं। साथ ही साथ एप्पल एंड मेनी अदर कंपनी सेज दैट कि यस रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर द मार्केट। व्हाई वी से सो, refurbished products में आपको चार factors देखने को मिलते हैं। When we talk about these four factors, these are like the one, pocketable friendly rates होते हैं। Number two, you get to save 15% of savings. Yes, 15% savings हो जाती है। Number three, 7 days money back and replacement guarantee. Yes, you get 7 days money back and replacement guarantee on this site specifically. With terms and conditions obviously. And the fourth and the most important that you get 6 months warranty. Yes, you get 6 months warranty with your product. अगर हम description में पढ़ें, अगर किसी भी product को हम लेते हैं, जब हम description पढ़ते हैं, so you get to see a normal description out here, एक normal generalized description देखने को हम यहाँ मिल जाता है। Talking about this, this has got an amazing variation और साथ ही साथ आपको इसमें यहाँ पर warranty का भी देखने को मिल रहा है। Yes, there it is written itself, 6 months warranty duration is written. So it gives you a assurance कि आपको 6 months की return policy मिल रही है। To know more about this product and the pricing, you can check out the link. और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी news है कि यहाँ पर आपको free shipping के साथ COD की availability भी मिलती है, depending upon the area itself. साथ ही साथ सऊदी में it takes around 1 week shipping time, whereas UAE की बाकी parts में 48 hours में shipping हो जाती है। For more information, you can call on the helpline number or visit the site out there. Till then, take care. I'll see you in the next video.